जातीय सांबादिकता दिवस उपलक्षे भुवनेश्वर 8 नंबर स्थित प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी और स्वाधीन पत्रकारिता निमन्ते आध्यात्मिकतार आवश्यकता शीर्षक एक सेमिनार आयोजित हो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव वरिष्ठ सांबादिक श्रीराम दास विशेष अतिथि भाव दूरदर्शन समाचार नुआ दिल्लीर मनीष बाजपेयी सम्माननीय अतिथि भाव कादंबिनी पत्रिकार एडिटर डॉ इतिरानी सामंत ब्रह्मकुमारी पूनम वर्मा फरीदाबाद सेवा केन्द्र संचालिका ब्रह्मकुमारी दुर्गेश नंदिनी प्रमुख जोगदे निज निज वक्तव्य प्रदान करते मुख्य वक्ता भाव ब्रह्मकुमारी मीडिया प्रभागर राष्ट्रीय संयोजक ब्रह्मकुमार सुशांत भाई जोगदे और ब्रह्मकुमारी सागरिका मंच परिचालन करते समाज में जो सब वर्ग व्यवसाय अथवा वृत्ति रही पत्रकारितार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे यह सत्य जो गणमाध्यम संविधान एक अंग नुहे तेबे भी यह गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ भाव में महत्व रखी थाए एथिपाई समाज संवैधानिक संस्था और सरकार प्रत्येक सांबादिक सुरक्षा समृद्धि और सुख सुविधा अवदान रहा उचित अनेक समय सांबादिक माने निज आर्थिक भौतिक नैतिक और व्यक्तिगत पारिवारिक सुरक्षा एवं वृत्तिगत सुरक्षा निमन्ते मानसिक चापग्रस्त हुंती तेबे से समय आध्यात्मिकता ही एकमात्र विकल्प सिद्ध हो सब दुश्चिंता को दूर करे। आज आम बुझुचे कि सांबादिक मानकर पत्रकारितारे जो महत्व अच्छे जो मैंने ही सारा विश्व को जनसाधारण को समाज प्रति वर्गर समाचार जनईकि अवगत करती सचेतनतार आवश्यकता रही हृदबोध करी जनसमाज को सचेतन करपारती तेब यही अवसर में आम ये कार्यक्रम रचना कर कि जो सांबादिकतारे आध्यात्मिकतार महत्व रही विशेष जो आमर आयोजित कार्यक्रम शीर्षक रही कि स्पिरिचुअलिटी एसेंशियल फॉर मीडिया फ्रीडम एंड सस्टेनेबिलिटी सांबादिकतारे जो स्वाधीनता रहा कथा एवं सांबादिकतारे जो स्थिरता बा बहुत समय जाए जहाँ कंटिन्यू करिपार सेटा संभव सेते बेले हे परिबो जेते बेले आमे आध्यात्मिकता को आम जीवन रे आम कर्तव्य रे आमे आनी परिबा तेनु ए अवसर रे विशेष प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रो मीडिया प्रभाग द्वारा ए कार्यक्रम को आमे आयोजन करछे कि आम राजधानी रो आम ओडिसा रो प्रत्येक भाई भौणी प्रत्येक पत्रकार प्रत्येक सांबादिक भाई भौणी माने सचेतन हेकरी तांका लेखा जारी रखंतु तांका वाणी जारी रखंतु एवं जाहारी आधार रे आमे गोटे सुंदर समाज गठन करी परिबा। ओम शांति। नहीं नहीं ये दो तरीके हैं, आप इसको स्थूल रूप में ना देखें, मतलब फिजिकली आप इसको ना देखें कि स्वतंत्रता है या नहीं है, ये व्यक्तिगत तौर पे आप देखें इसको ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यानी कि आपका अगर आप अपने मन से दुखी होंगे, आप अपने तमाम परेशानियों में घिरे होंगे, तो आप कैसे अच्छी तरीके से सर्विस कर पाएंगे इस देश की, यानी कि एक बतौर एक पत्रकार आप अगर अच्छी तरीके से आप काम करना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिकता का सहारा लेना चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तमाम मुश्किलों से गुजरते हैं, आप तमाम ऐसी विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं जब आपके आपके मन को बड़ा काबू में करना पड़ता है, आप ऐसी बहुत सारी चुनौतियां अचानक आ जाती हैं जिनको आप सोचते भी नहीं हैं, उस समय किसको आप ध्यान करते हैं, उसमें आप जिस किसी की भी आप पूजा करते हैं, जिस किसी को भी आप मानते हैं, आप उसका ध्यान करते हैं, हे परमात्मा हमें शक्ति दीजिए, और जब आप परमात्मा की बात करते हैं तो आपके अंदर जो एक आत्मा है, आपके अंदर जो उसका एक तत्व विद्यमान है, आप कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करते हैं, और उसके कनेक्शन के लिए अगर आप बंदूक 12 महीने नहीं चलाएंगे और एकदम तुरंत बंदूक चलाएंगे तो बंदूक नहीं चलेगी, यानी कि आपको रोज़ सुबह शाम वो कनेक्शन का रियाज करना होगा, आपको उस कनेक्शन को लगातार इस्टेब्लिश करना होगा, और जब आप रोज़ वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे तो आपको किसी भी क्षण कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, उसी क्षण अगर आप परमात्मा को याद करते हैं अपने आत्मिक शक्तियों के द्वारा तो निश्चित तौर पर उसके करीब होते हैं, और ऐसे समय में जब आपको उसकी आवश्यकता होती है, जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं बहुत मुश्किल में फंसा हुआ हूँ, तो परमात्मा आपकी मदद करता है, चूँकि आप उससे जुड़े होते हो, आप उससे कनेक्ट होते हैं, और यही माने है आध्यात्मिकता का, जिसको कि मैं समझता हूँ कि पत्रकारों को थोड़ा सा आध्यात्मिकता का सहारा लेना चाहिए। इसका अर्थ ये कतई मत निकालिएगा कि पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं है या पत्रकार स्वतंत्र नहीं है, मैंने इसको व्यक्तिगत आचरण में ढालने के लिए बात कही। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपका थैंक यू।